हेलो दोस्तों, आज का विषय कॉन्वर्सेशन विद होम। दोस्तों, आज का विषय कॉन्वर्सेशन, जिसे हम आज के दौर में अनसुना नहीं कर सकते। वी कांट ओवरलुक और अनहिट इट्स इम्पोर्टेंस। इंग्लिश का अस्तित्व कुछ हद तक कॉन्वर्सेशन पे ही टिका है। इससे हम वाक्यों की संरचना के अलावे शब्दों की जानकारी भी हासिल करते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। वन हैज रेज्ड अ क्वेश्चन, विद होम वे आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे थे? आई वॉज टेकन अबैक वेन आई सॉ यू गोइंग विद मिस किड्स। मैं उस समय दंग रह गया। टेकन अबैक मीन्स दंग रह गया, जब मैंने तुम्हें उन दुष्टों के साथ, मिस किड्स मीन्स पापी दुष्ट दुष्टों के साथ जाते हुए देखा। आखिर वो दुष्ट कौन थे? विद होम वी आर यू गोइंग, किसके साथ जा रहे थे? आंसर, आई डोंट गो यू शेयर विद दोज हु आर मिस किड्स। मैं कहीं नहीं जाता उनके साथ जो पापी हैं, दुष्ट हैं। बिकॉज आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि मैं उसका परिणाम जानता हूँ। एवरी वन शुड ट्राई टू बी अवे फ्रॉम बैड एलिमेंट्स। हर कोई को चाहिए कि वो समाज के असामाजिक तत्वों से दूर रहें। दे आर नॉट गुड इन द आई ऑफ द पीपल, वे लोगों की नज़र में अच्छे नहीं होते। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। विद होम वे आर यू प्लेइंग, किसके साथ तुम खेल रहे थे? यू शुड हैव प्लेड विद दोज हु प्ले रिलेंटलेसली। तुम्हें उनके साथ खेलना चाहिए था जो निरंतर खेलते हैं, जो अपने खेलने का क्रम निरंतर बनाए रखते हैं, अपने समय में खेलते रहते हैं और उनका क्रम लगातार बना रहता है। वैसे लोग हमेशा अभ्यास में होते हैं। तुम्हें उनके साथ खेलना चाहिए था। आंसर, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, होम आई लाइक मोस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिंसियरिटी। मैं अपने दोस्तों को काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि वे सिंसियर हैं, काम के प्रति तत्पर हैं। उनकी सिंसियरिटी यानी उनकी ईमानदारी काफ़ी अच्छी है। सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी जेनरेट इंटरेस्ट अमंग अस। तत्परता तथा काम के प्रति निष्ठा हम में काफ़ी रुचि पैदा करती है। यहाँ हमने रिलेंटलेसली ऐसे शब्द का इस्तेमाल सीखा। रिलेंटलेसली मीन्स लगातार, निरंतर। नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। विद होम वे आर दे डूइंग एक्सरसाइज, किनके साथ वे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे? दे वे डूइंग एक्सरसाइज विद देयर मेंटर। वे अपने मार्गदर्शकों के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। दे वे आर डूइंग एक्सरसाइज विद देयर मेंटोर। मेंटोर मीन्स मार्गदर्शक। वे अपने मार्गदर्शकों के साथ, ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। हु ऑलवेज मोबिलाइज द यूथ फॉर द सेक ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो हमेशा नौजवानों को शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए एकजुट रखते हैं। फ्रेंड्स, टुडेज यूथ आर ऑब्सेस्ड विद स्टडी। आज के नौजवान पढ़ाई में तो लीन होते हैं, हैविंग नो स्पेयर टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। लेकिन उनके पास खाली समय नहीं होता ताकि वे स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अब्जॉर्ब इन स्टडी, पढ़ाई में लीन होने के अलावे, द यूथ शुड कीप देयर हेल्थ इंटैक्ट। उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य को इंटैक्ट यानी ठीक ठाक रखना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ बेटर हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य के वास्ते उन्हें ऐसा करना चाहिए। यह हमने मेंटोर जैसा शब्द का इस्तेमाल किया। मेंटोर मीन्स मार्गदर्शक। मोबिलाइज मीन्स एकजुट करना। फॉर द सेक ऑफ मीन्स के वास्ते। दोस्तों, जहाँ तक एक्सरसाइज की बातें हैं, इसके प्रति जागृति पैदा हुई है, नो डाउट। यदि हम युवाओं को बलशाली तथा अतुलनीय होने हैं, तो हमें निरंतर अनवरत एक्सरसाइज करने होंगे ताकि हम ओजस्वी बने रहें। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लें, ताकि मैं इसी प्रकार अपडेट देता रहूं। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।